आई एम गोना सर्वाइव एज लॉन्ग एज आई कुड बिकम एज ओपी एज पॉसिबल इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माई डीप डार्क वर्ल्ड। हाँ, तो अगर आप लोगों को डीप डार्क वर्ल्ड का नहीं पता, तो डीप डार्क वर्ल्ड ये है कि इसके अंदर कभी भी ये जो श्रीकर आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके पास थोड़ा से भी शोर मचाया तो ये श्रीक हो जाएगा और वार्डन एक्सपॉन हो जाएगा। तो हमें बनना है इस वीडियो में ओपी, फुल ओपी, जितना हम ओपी हो सकें तो हमें इस वीडियो में बनना है। तो ओपी बनने से पहले मैं सबसे पहले अपने लिए वुड गैदर कर लेता हूँ। वुड गैदर करने के बाद मैं थोड़े से स्टोन भी गैदर कर लेता हूँ, उसके बाद स्टोन टूल्स बना के, उसके बाद स्टोन गैदर करके अपने लिए थोड़ा सा कोल भी गैदर कर लेता हूँ, क्योंकि कोल भी इस वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको डीप डार्क वर्ल्ड का नहीं पता, तो डीप डार्क वर्ल्ड के अंदर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता, बस कुछ मॉब स्पॉन होते हैं जैसे कि वार्डन हो गया और फैंटम हो गया। पैसिव मॉब कोई भी स्पॉन नहीं होता, मतलब ना कोई विलेज होता है, ना कोई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंशिएंट सिटी के अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है एग्जिस्टेंस में, और सिर्फ पैसिव मॉब भी कोई स्पॉन नहीं होता। और अगर मुझे इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा ओपी बनना है, तो मुझे एक तरीका हो है इसमें, आसान तरीका, आसान ही तो काफ़ी रिस्की तरीका है, कि मैं एंशिएंट सिटी ढूंढूं और उधर से जाके सारे ओपी ओपी की चेस्ट लूटूं, क्योंकि एंशिएंट सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ओपी लूट होती है, जैसे कि नौ चैपल हो गए, डायमंड की आर्मर हो गया ओपी सा। हाँ, तो ये माइनक्राफ्ट आपने ग्लिच से करो, ये क्या बीच में आपने डाल दिया। हाँ, तो एंशिएंट सिटी जाने से पहले मुझे थोड़ा से चीज़ें भी ढूंढनी पड़ी, जैसे कि आयरन, आयरन में बस थोड़ा सा हो गया, मुझे लिए अपने लिए थोड़ा सा ना वो आर्मर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंशिएंट सिटी में अगर ये डायमंड आपके इधर बैठे हुए उधर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एंशिएंट सिटी में अगर गलती से भी वार्डन स्पॉन हो गया, उससे हमारी धुलाई कर देनी है, तो पहले डायमंड का ऐसा करते हैं, उसके बाद चलते हैं एंशिएंट सिटी के अंदर। मुझे एक के बाद एक डायमंड मिल ही जा रहे थे, और मेरे पास इतने डायमंड इकट्ठे हो गए थे कि मैं एक फुल सेट डायमंड आर्मर भी बना सकता था, लेकिन मैं नहीं बनाया, मैं सिर्फ एक पिकेक्स बना लेता हूँ, ताकि मैं तो उसे मेरा, क्योंकि पिकेक्स आयरन का टूट गया था, मैं सिर्फ डायमंड पिकेक्स बना लेता हूँ, ताकि मुझे एंशिएंट सिटी जैसे कि मिल चुकी है। अब एंशिएंट सिटी के अंदर मुझे अगर मुझे मिल जाता है कुछ आर्मर, तो मैं उसी से गुजारा चला लूँगा, इसलिए मैं अपने डायमंड ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं डायमंड बचा लिए थे। अब हमारा मिशन स्टार्ट होता है, मिशन टू लूट द ओपी स्टफ इन एंशिएंट सिटी। पहले चेस्ट में कोई ओपी स्टफ नहीं है सिवाय पोशन के, चेस्ट नंबर टू, और इसके अंदर तकरीबन ओपी लेगिंग्स, और उसके साथ एक और पोशन मिला है, थोड़ी सी हम बुक्स भी मिल गया, बुक्स तो काफ़ी ओपी है इसके अंदर, क्योंकि लेदर तो है कोई नहीं, तो बुक्स बनने का एक तरीका है। और ये मैंने आज से मैंने गलती से वार्डन स्पॉन करा दिया। भाई आप किधर स्पॉन हो गए, मुझे इस वार्डन से दूर भागना पड़ेगा, वरना इस वार्डन ने मेरी छुट्टी कर देनी है। जिस हिसाब से सूंघ रहे वार्डन भाई, मैं नहा के आऊँ, मेरे पास वैसे इतनी बूनियाँ आ रही। हाँ, तो वार्डन भाई आप चले अपनी दुनिया में वापस, क्योंकि मैंने अभी आपकी पूरी एंशिएंट सिटी रेड करनी है, तो मुझे ज़रा तंग न कीजिए। और कुछ देर के बाद वार्डन भाई वाकई अपनी दुनिया में वापस चले गए, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका था दोबारा से एंशिएंट सिटी रेड करने का। साथ में एंशिएंट सिटी के अंदर कुछ डायमंड भी मिले थे, और ये आयरन की प्रोटेक्शन फोर लेगिंग पहनने के चक्कर में मैंने एक स्टीकर को शीक करा दिया। किसे भागना पड़ेगा इस वार्डन के बच्चे से, वरना इसमें छोड़ना नहीं। यहाँ से इस दफा वार्डन भाई को हमारे स्मेल आ गई, और काफ़ी जल्दी चले गए। तो चलो हम अपने एंशिएंट सिटी को रेड करना कंटिन्यू करते हैं। ओ माय गुरु लाला, ये क्या आ गया, दो दो नॉन चैपल एक ही चेस्ट के अंदर, ये सही है भाई। अब बस ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया, ये तीन चौथाई हिस्सा एंशिएंट सिटी का मैंने लूट लिया,
सिर्फ एक चौथा हिस्सा एंशिएंट सिटी का रह गया है, तो जल्दी से इसको भी लूटते हैं और चलते हैं वापस सरफेस पे, क्योंकि मुझे इधर बड़ी दफ़ा वार्डन से बचना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, 3 3 और चैपल कट्ठे मिल गए हमें एक चेस्ट में। अब आप लोग इस अभी यहीं पे वीडियो को पॉज करो और बताओ कि अगले चेस्ट में हमें क्या मिलने वाला है। और कुछ कमेंट सही हो गया या कुछ गलत हो गया, हमें मिले हैं 3 3 नौ चैपल अगले चेस्ट में भी, मतलब कि 9 चैपल का 1.5 लगवाया हम वापस 8 9 चैपल इकट्ठे हो गया। और भी काफ़ी ओपी बुक्स भी मुझे यहाँ से मिली हैं, जैसे पावर 5 और भी लूटिंग 3 की बुक्स भी मिली हैं और नॉर्मल बुक्स भी काफ़ी मिली हैं, ताकि हम इंचेंटमेंट सेटअप भी अपने नाम से पूरा कर सकते हैं। इंसर्टी लूटने के बाद मैं अब सरफेस पर वापस आ जाता हूँ और मैं एक ओशन के अंदर होता हूँ। ओशन के अंदर काफ़ी खतरा है, क्योंकि मैं एक दो दफ़ा पहले भी ये वाला मैं आपकी बड़ी दफ़ा रिस्टार्ट मार ट्राई की थी खेलने की। ओशन के अंदर हमें श्रीकर बहुत दूर से हमें सेंस कर सकता है और बड़ी दूर से वो श्रीक हो जाता है। तो सबसे पहले आगे सबसे पहले हम थोड़े वुड कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे पास वुड ख़त्म हो गई थी। और साथ ही जो हमें ओपी हो मिली है, हो को टेस्ट करने से पहले हमें लगता है एक दोस्त आ गए हमारे यहाँ पे, उस दोस्त के आने से पहले। हाँ तो मैं कह रहा था कि इस हो को टेस्ट करते हैं, एफिशिएंसी 5 की हो मिली, 2 एफिशिएंसी 5 की हो मिली, 2 एफिशिएंसी 4 की हो मिली, लेकिन उसको टेस्ट करने से पहले ये वार्डन भाई आ गए यहाँ पे। तो चलो जितनी देर में वार्डन भाई नीचे वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, उतनी देर में ऊपर हवा के अंदर थोड़ा प्लेटफॉर्म बना देते हैं अपने रहने के लिए, क्योंकि अगर मैं नीचे घर बनाया तो नीचे वार्डन भाई हमें अपनी दीवारों के अंदर से भी मार देंगे, है इसलिए ऊपर ही घर बना देते हैं, ऊपर ज़रा सेफ जगह है। घर बनाने के बाद ये श्रीकर था जो श्रीक हुआ था है, तो इसको पहले तोड़ते हैं, उसके बाद अपनी एफिशिएंसी 5 वाली खो को भी एक बार टेस्ट करते हैं किसने मज़े से वो इस स्कल कैटलिस्ट को तोड़ रही है। और डीप डार्क के अंदर एक फ़ायदा बहुत है कि हमें डीप डार्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपी फ्री में पड़ी मिलती है, मतलब ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी वजह से एक्सपी निकलती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं अपने ऊपर आके अपने मतलब ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर आके अपने चेस्ट को थोड़ा ऑर्गेनाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ गाना बचा हुआ था और मुझे सिर्फ लैगिंग मिली थी, बकाया डायमंड आर्मर नहीं था मुझे पास, तो मैंने बकाया डायमंड आर्मर मैं बना लेता हूँ। इसलिए मैं डायमंड यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे बाद में पता था कि ये इसी काम आएंगे। और हमें एक और ओपी चीज़ मिली है कि हमें लैगिंग मिलती थी प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग 3 और मैंडे की आयरन की, लेकिन मैं सही था आयरन की वरना वो फुल मैक्स आउट थी। हमें साथ स्विफ्ट स्नेक की भी 2 बुक्स मिली है 2 की, मतलब कि इसका मतलब हम 3 की एक बुक्स बना सकते हैं। बचे कुछ डायमंड से मैं अपने लिए डायमंड की टूल्स बना देता हूँ, साथ थोड़े से सैपलिंग्स को भी प्लांट करता हूँ और एंशिएंट सिटी से मिली हुई बोन की वजह से बोन मिल बना के अपने लिए कुछ ट्रीज भी ग्रो करा लेता हूँ। ट्रीज को ग्रो करने के बाद मैं अपने एक स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड भी हमारे पास कमी थी। और वुड गैदर काट करके मेरे पास काफ़ी अच्छी वुड हो गई थी इकट्ठी, और बुक्स की मदद से मैं काफ़ी सारा बुक शेल्फ बना लेता हूँ, लेकिन इंचेंटमेंट सेटअप बनाने के लिए मेरे पास वो ऑब्सीडियन ही नहीं था। मैं चल जाता हूँ इधर फिर केव्स के अंदर ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए, साथ साथ मैं आयरन भी कलेक्ट कराया था ताकि मैं एक एनविल भी बना सकूँ। और यहाँ से करते हैं इनफ ऑब्सीडियन कलेक्ट और चलते हैं हम वापस जगह पर। अपने वापस जगह पे आने के बाद मैं इधर एक लावा प्लेस करता हूँ, लावा में साथ लाया था, और लावा की मदद से हम अपने लिए एक ट्यूब बना सकते हैं जिसकी वजह से हम आराम से ऊपर नीचे जा सकेंगे। और हमारे इस वर्ल्ड में पहली दफ़ा ये लोग मॉन्स्टर्स आ गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ फैंटम ही स्पॉन हो सकते हैं और ज़ॉम्बी क्रीपर कुछ भी नहीं स्पॉन हो सकता। इधर मैं लावा जिस तक पहुँच गया था तो मैं लावा हटा के पानी प्लेस कर देता हूँ, ताकि अपने लिए बबल कॉल हमारी पूरी हो जाएगी। बबल कॉलम बनाने के बाद अपने थोड़ा सा अपना जो है अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, इंचेंटमेंट सेटअप को प्लेस करता हूँ ताकि हम ओपी ओपी इंचेंटमेंट कर सकें यहाँ से। उसी देर में ये भाई साहब ये फिर से आ जाते हैं जिसको मैं जिस दवा, लेकिन इस दवा मैंने टपका देता हूँ। इंचेंटमेंट सेटअप को इनफ अपना कम्प्लीट करने के बाद मैं उसके पीछे सारे
ट्रीज ग्रो करता हूँ क्या? हाँ, बस वुड की भी काफ़ी कमी है क्योंकि इस वर्ल्ड में ट्रीज भी बहुत ही रेयर होते हैं। और अपने लैपिस की मदद से अपने लिए पहले सबसे पहला अपना जो है पिकेक्स, उसको सबसे पहले इंचांट करता हूँ, जिसका मुझे फॉर्चून 2 मिली थी, जो कि मैं पहले करता हूँ जाके एक्सपी गैदर। एक्सपी गैदर करते करते मेरा दोस्त फिर से स्पॉन हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा पानी में होता है और मैं इससे काफ़ी दूर होता हूँ, तो वो मुझे तंग नहीं करता। उसके बाद मैं फॉर्चून 2 लेता हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 भी मिल जाती है। उसी के साथ मैं देखता हूँ कि मेरे एक्स पे एफिशिएंसी 4 मिल गया, मैं उसे भी ले लेता हूँ कुछ एक्सपी पहले गैदर करने के बाद। उसके बाद मैं अपने शावर को भी इंचेंट करता हूँ। शावर को इंचेंट करने के बाद ये लोग फिर से मेरे ऊपर हल्ला बोल देते हैं, और ये लोग क्योंकि इसे स्पॉन हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास सोने के लिए बेड भी कोई नहीं। उसके बाद मैं फिर से एक्सपी गैदर करता हूँ और अपने चेस्ट प्लेट को भी इंचेंट करता हूँ। और अपनी कोई चेस्ट प्लेट नहीं, अच्छी इंचेंट नहीं हुई थी, तो मैं एक दफ़ा उसे डीस इंचेंट करके फिर से इंचेंट करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं थोन्स 2 मिल रहा था, चूँकि काफ़ी अच्छी इंचाइनमेंट है, थोन्स 2 मिल रहा था। और इसके साथ थोन्स 2 के साथ हमें प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3 भी साथ ही फ्री में मिल जाती है। तो हमारे हेलमेट में हमें अनब्रेकिंग 4 मिल जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन भाई साहब, ये जो फैंटम था ये तंग खा रहे थे। और उसी के साथ साथ मैंने तकरीबन अपने फुल टूल्स और आर्मर को एक किस्म का मैक्स कर लिया था, साथ ही अपनी सोर्ड को भी, क्योंकि सोर्ड मैंने अभी तक साथ ही अपनी बस सोर्ड नहीं थी कि सोर्ड रह गई मेरे से इंचेंट होने वाली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।